मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फ्लेवर। आज हम एक ऐसी सब्जी बनाने वाले हैं जो नॉर्मली हम बहुत तरीके से बनाते हैं, पर जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी बनती है। सो लेट्स बिगिन द रेसिपी। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 250 ग्राम्स फ्रेंच बीन, दो बड़े प्याज जिसे मैंने फाइन चॉप कर दिया है, दो टमाटोज, डेढ़ चम्मच गरम मसाला, यहाँ पे मैंने एवरेस्ट मीट मसाला यूज किया है, अपने टेस्ट के अनुसार चिली पाउडर, यहाँ मैंने कश्मीरी चिली पाउडर यूज की है, टर्मरिक हल्दी आधा टेबल टीस्पून और धनिया गार्निश करने के लिए, ऑयल हम लोगों को लगेगा 2 टेबलस्पून। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। पहले हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसे गरम करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से हीट करना है और जैसे ही ऑयल हीट हो जाएगा हम इसमें चॉप्ड प्याज डालेंगे, एक डालकर देखते हैं, ऑयल अभी प्रॉपरली हीट नहीं हुआ है। अब हम ये प्याज ऑयल में डालते हैं और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे करते हैं। स्लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सॉटे करते हैं। इन द मीन वाइल मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंच बीन आपको कट कैसे करना है। आपने देखा मैंने डायमंड शेप में कट किया है और बहुत ही थिनली चॉप किया है, उसे कैसे करना है, टिप और पीछे का भाग निकालकर इसे डायगनली फाइन चॉप करना है। ऐसे आप इसे फाइन चॉप कर लीजिए अच्छी तरह से, ये देखिए ऐसे। इस तरह से हमें फ्रेंच बीन को फाइन चॉप कर लेना है डायगनली। हम अनियन को देखते हैं, प्याज को, इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, 2-3 मिनट इसे लगेंगे। ये देखिए अनियन ट्रांसलूसेंट हो गया, यानी पारदर्शी हो गया है। हमें थोड़ा और 2-3 मिनट इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब ये प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम चॉप किए हुए टमाटो डालेंगे, 2 टमाटो लिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से पकने तक पका लेंगे, कवर करके इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए अच्छे से। अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हो, मैंने एवरेस्ट मीट मसाला यूज़ किया है और कश्मीरी चिली पाउडर एंड टर्मरिक हल्दी। तो 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला और चिली पाउडर 1 चम्मच, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इस मसाले को अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक तेल नहीं छूटता। अब देख सकते हैं ऑयल बाहर आ रहा है, तब तक हमको अच्छे से इसको सॉटे करते हुए हिलाते हुए भूनना है मसाले को। आप देख सकते हैं ऑयल साइड से निकल रहा है।
अब हम इसमें हमारे फ्रेंच बीन्स ऐड करेंगे जिन्हें हमने डायगनली काट लिया है। अब हमें इसे अच्छे से चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए सॉटे करना है मीडियम फ्लेम पे। मसाला सब पूरी तरह अच्छे से फ्रेंच बीन्स पे लग जाना चाहिए। अब हम इसको ढक के 3-4 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। 3 मिनट तक हमने इसे ढक कर पकाया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे पकने के लिए। पानी कितना डालना है, जितना से ये फ्रेंच बीन कवर हो जाए, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने यहाँ 1.5 ग्लास पानी लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंच बीन को सिर्फ कवर किया है हम लोगों ने, और इसे 2 मिनट के लिए बॉईल आने तक ढकना है। 5 मिनट हो गए हैं, बॉईल स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम लोग डालेंगे जिससे सब्जी का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ये खुद अच्छी तरह से पक जाएगी, इसके बिना टेस्ट नहीं आता है। ये है सोडा बाइकार्ब या खाने वाला सोडा। इसे हमें कितना डालना है, 2 चुटकी। और इसे अच्छी तरह से चलाकर मिक्स करने के बाद ढक देना है और 3-4 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए, तेज आंच पे हम लोगों ने इसे 2 मिनट बॉईल करने दिया है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं थोड़ा कम सॉल्ट डालती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालिए। फिर से इसे अच्छी तरह से चला के इसे मीडियम फ्लेम पे एटलीस्ट 7-8 मिनट पकने देंगे। 5-7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो चुका है। हमें इसे और 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक ये पूरा पानी अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से मसाला फ्रेंच बीन को लग चुका है और फ्रेंच बीन भी अच्छी तरह से गल गई है। बहुत ही टेस्टी सब्जी रेडी हुई है। अब हम इसको परोसेंगे। ये हमने सब्जी को परोस लिया है, इसे धनिया और टमाटो के फूल के साथ गार्निश किया है। इसे आप पराठा, चपाती, रोटी किसी के साथ भी सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि फ्रेंच बीन का जब बॉईल आए तभी आप इसमें सोडा डालें, बॉईल आने के बाद ही सोडा डालना है, तो अच्छी तरह से मसाला ग्रेवी अच्छी तरह से फ्रेंच बीन को लटपटी लपट जाएगी। ओके, इसी तरह के इनोवेटिव रेसिपीज और टिप्स के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने। अभी के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू।